बिहार से लेकर यूपी तक सुलगती ट्रेनें, अग्निपथ पर अग्निवीर और बेबस पुलिस, मीडिया प्रशासन के तेवरों में भी नरमी। इंडियन आर्मी की अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत में बवाल जारी है। आक्रोशित लड़कों की भीड़ ट्रेन बसों को आग के हवाले कर रही है। बिहार में आज भी सुबह से ट्रेनें जल रही हैं। बलिया में भी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार के समस्तीपुर में जम्मूवती गुवाहाटी एक्सप्रेस को फूंक डाला तो लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग लगा दी। आरा के कुल्हड़िया में पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा बक्सर, अररिया, बिहार, कटिहार, बेगूसराय और बिहटा समेत कई जिलों में भारी बवाल मचा हुआ है। इससे पहले गुरुवार को 5 ट्रेनों को फूंक दिया गया था। आदाब नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आर्मी की तैयारी कर रहे लड़कों के हिंसक आंदोलन का ये तीसरा दिन है जिसमें वे सार्वजनिक संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। बिहार में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 3 दिनों से लड़के सड़कों पर उत्पात मचाए हैं और पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। बिहार के बक्सर से शुरू हुआ ये बवाल आरा और लखीसराय तक जा पहुंचा। समस्तीपुर और बेगूसराय में भी भारी बवाल देखने को मिला है। भोजपुर के कुल्हड़िया में पैसेंजर ट्रेन को फूंका। आरा पटना रेलखंड के कुल्हड़िया स्टेशन पर भी एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी है। इसमें ट्रेन की 3 बोगियां जलकर राख हो गईं। जान बचाने के लिए स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी स्टेशन छोड़कर भाग गए। अभ्यर्थियों ने कुल्हड़िया स्टेशन पर ऐलान कर दिया है कि जब तक अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस को फूंका। बिहार में सैन्य अभ्यर्थियों का बवाल तीसरे दिन उपद्रव की शक्ल ले चुका है। हालात यह है कि लखीसराय रेलवे स्टेशन पर सैन्य अभ्यर्थियों ने खौफ का ऐसा माहौल बना दिया जिसका मंजर आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों ने पूरी विक्रमशिला एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर में जम्मूवती एक्सप्रेस आग के हवाले कर दी है। बिहार के दर्जनों जिलों में उपद्रव मचा हुआ है। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में सेना की तैयारी करने वाले लड़के सड़कों पर बवाल मचाए हुए हैं। अलीगढ़ में बसों में तोड़फोड़ की गई है। हिंसक आंदोलन पर पुलिस बेबस है तो मीडिया के तेवर भी पूरी तरह से बदले हुए हैं। इससे पहले तक के प्रदर्शनों को जब मीडिया तमाम उपाधियों से नवाजता रहा है तो छात्रों की आगजनी उत्पात पर उसके सुर पूरी तरह से ढीले पड़े हैं। इतना ही नहीं, पुलिस और प्रशासन के एक्शन में भी ढिलाई देखी जा रही है।